नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपको डीबे कंपनी के मैट्रिक्स प्लान को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी की थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। दोस्तों इस कंपनी का पूरा नाम जो है वो है डायनामिक बेनिफिशियल अकाउंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने जो है कुछ ब्रांड्स के साथ डील किया हुआ है। फर्स्ट वन इसका जो ब्रांड है वो आइफाजोन है, सेकेंड अर्थी सेंटर और थर्ड मिस्टर हफमैन। इसके जो प्रोडक्ट्स है वो है गारमेंट्स एंड एक्सेसरीज। ये काम क्या करती है, इसका काम जो रहता है वो है डायरेक्ट सेल थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग, या हम कहें कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो दोस्तों ये एक मैट्रिक सिस्टम पे काम करती है। इसका जो मैट्रिक सिस्टम है वो मैं आपको अभी शो करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले अगर आपको इस कंपनी में काम करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इसका प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पे परचेजिंग दो तरीके से होती है। सबसे पहले आता है 20 रैंक। दोस्तों अगर आप 20 रैंक से अपना बिजनेस इस कंपनी में स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको 8500 रुपए से अपनी शॉपिंग करनी पड़ेगी। इसमें GST और शिपिंग चार्जेस इंक्लूडेड हैं। और दूसरा अगर आपको 29 रैंक से अपना इसमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको 45500 रुपए से शॉपिंग करनी पड़ेगी। मतलब कि यहाँ आपको पहले 20 की परचेजिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आपकी 29 की परचेजिंग होती है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे आपका लगेगा 45500 रुपया, GST प्लस शिपिंग चार्जेस इंक्लूडेड इसमें साथ में है। और यहाँ पे प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने 20 रैंक से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है इस कंपनी में, तो अगर आप यहाँ पे किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हो, तो अगर मान लो आपने अपना डायरेक्ट स्पॉन्सर 20 रैंक से आपने किसी को आपने स्पॉन्सर किया है डायरेक्ट, तो आपको उससे 720 रुपया डायरेक्ट का इनकम आएगी। इसी तरह से आप अनलिमिटेड में अपने डायरेक्ट में आप अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो। सेकेंड, अगर आपने 20 रैंक से बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने किसी 29 को यहाँ पे स्पॉन्सर किया, तब भी आपको यहाँ पे 720 रुपया ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है वो रैंक छोटा है। इस सिस्टम में सबसे ज़्यादा मायने रैंक रखता है। दूसरा मैं अगर आपको बताऊँ कि अगर आपने 29 रैंक से यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, आपने किसी 20 को डायरेक्ट में स्पॉन्सर किया, तो आपको यहाँ पे 8500 रुपये मिलेंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 29 में आपको 40,000 का प्रोडक्ट मिलता है। तो 40,000 के प्रोडक्ट में से जो आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं उनको आपने प्रोडक्ट देना होता है। जो 20 की शॉपिंग होगी वो आपसे ही वो करेगा, इसलिए पूरे के पूरे 8500 रुपये आपको मिलेंगे इन हैंड। तो दूसरा, अगर आपने 29 से स्टार्ट किया है बिजनेस, तो आपके डायरेक्ट में 29% आता है, तो आपको वहाँ से 10,080 आएंगे। इसमें से 8500 रुपया 20 की शॉपिंग से और 2880 29 की शॉपिंग से। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने 329 डायरेक्ट में स्पॉन्सर कर दिए तो आपका रैंक 38 बन जाता है। अगर 38 के नीचे 29 आता है तो यहाँ पे आपको 12,960 रुपये आता है। इसमें से आपका सबसे पहले 20 की शॉपिंग से 8500 रुपया, उसके साथ 29 की शॉपिंग से 18% वो आपको यहाँ पे टोटल मिला के 12,960 रुपये आएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 20 रैंक से रैंक अपग्रेड की बात करूँ, तो अगर आपने 20 के नीचे अपने डायरेक्ट 5 बिजनेस पार्टनर को 20-20 से ज्वाइन करवा दिया तो आप 29 बन जाते हो। अगर आपने अपने नीचे 3 29 प्लस 2 20 को स्पॉन्सर किया तो आप यहाँ पे 38 अपग्रेड हो जाते हो। उसके बाद अगर आपने 38 रैंक अपना अपग्रेड कर दिया, उसके बाद अगर आपके पूरे के पूरे अपने के 5 बिजनेस पार्टनर जो है वो सारे 38 आपने प्रमोट कर दिए, तो आपका रैंक यहाँ पे जो है R41 बन जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्ट में अनलिमिटेड को स्पॉन्सर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 41 बनना है तो यहाँ पे आपको 5 बिजनेस पार्टनर पूरे करने होंगे। तो अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आपने R41 से 41 बनना है। दोस्तों अगर आपने R41 रैंक को यहाँ पे अचीव कर लिया तो वहाँ पे आपको एक चैलेंज की रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट करनी पड़ती है कंपनी में। उसके बाद आपको 3 महीने के अंदर 19.5 लाख का बिजनेस देना पड़ता है, तो तभी आप यहाँ पे 41 रैंक को अचीव कर पाते हो। अगर आपने इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं किया विदिन 3 मंथ, तो आपका पहले मंथ का बिजनेस जो है बिजनेस वॉल्यूम जो आपने किया है वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको ये चैलेंज कंप्लीट करना है तो आपको 29 रैंक से ज्वाइनिंग चाहिए 3 मंथ के अंदर, तो आप इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाओगे और आप यहाँ पे 41 रैंक को अचीव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इसके मैट्रिक प्लान के प्रॉफिट चार्ट को मैं अगर एक्सप्लेन आपको साथ करूँ, तो लेवल 1 से आपको यहाँ पे आएगा 5% 38 को, और सेकंड लेवल से आपको आएगा 3%,
और थर्ड लेवल से 2%, फोर्थ लेवल से 1.5% और फिफ्थ लेवल से 1%। अगर आपने यहाँ पे 41 रैंक को अचीव कर लिया है तो आपको लेवल 1 से 10.5%, सेकंड लेवल से 8.5%, थर्ड लेवल से 7.5% और फोर्थ लेवल से 7% और फिफ्थ लेवल से 6.5%। उसके बाद 6 से लेकर 12 तक 38 को यहाँ पे 0% प्रॉफिट आता है और 41 को 5.5% आता रहेगा 12 लेवल तक, और यहाँ पे उसके बाद आपके लेवल जो है वो क्लोज हो जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट लेना है तो आपको डायरेक्ट में बहुत ज़्यादा पीपल को है स्पॉन्सर करना पड़ेगा, और यहाँ पे साथ में 2% ग्रुप बोनस भी मिलता है 41 रैंक को। तो ये था इसका मैट्रिक्स प्लान, जो लेवल में आपको 12 लेवल तक यहाँ पे प्रॉफिट जो आता है वो आपको सामने यहाँ पे शो किया। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको इस कंपनी में काम करना चाहिए या ना करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे जो इसकी डिसएडवांटेज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक बिग मार्केट की जरूरत पड़ेगी। मैट्रिक्स सिस्टम अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पहले आप, क्योंकि इसमें जो है लेवल के साथ इनकम रहती है, लिमिटेड लेवल होने की वजह से आपको यहाँ पे डायरेक्ट में आप अनलिमिटेड को स्पॉन्सर कर सकते हो। अनलिमिटेड को स्पॉन्सर करने के लिए आपके पास एक बड़ी मार्केट होनी चाहिए ताकि आप डायरेक्ट में 10 से 20 लोगों को स्पॉन्सर कर पाओ। दूसरा, इसमें आपको रैंक अपग्रेड करने की जरूरत रहती है, आपको आपका रैंक अपग्रेड करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपका रैंक 20 है, आपके नीचे किसी का रैंक 38 बन जाता है तो आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, चाहे आपके नीचे 1000 की टीम हो जाए। तो यहाँ पे आपको रैंक अपग्रेड करना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बिग परचेजिंग अमाउंट है, मतलब कि अगर आपको यहाँ पे 29 रैंक से आप शॉपिंग करनी पड़ेगी तो आपको 45,000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी, तभी आप 29 से यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिमिटेड और फिक्स लेवल है, ये भी एक डिसएडवांटेज इसकी बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे आपको 12 लेवल के बाद इनकम नहीं आएगी, तो यहाँ पे फिक्स लेवल है। उसके बाद यहाँ पे एक फिक्स टारगेट भी दिया जाता है, जैसे अगर आपको 41 से 41 बनना है तो यहाँ पे आपको एक फिक्स टारगेट को जो है 19.5 लाख का जो बिजनेस वॉल्यूम होता है वो 3 मंथ के अंदर आपको पूरा करना पड़ता है। उसके बाद नो बिग प्रॉफिट, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं रहता, अगर आपने जब तक आप 41 नहीं बनते तब तक आपकी जो है सारी सेविंग जो है वो री इन्वेस्टमेंट होती है। नो सेविंग अनलेस यू बिकम 41। ये सेम सा डिसएडवांटेज है कि आप जब तक 41 नहीं बनते तब तक आपकी कोई भी सेविंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो आपको मैं लास्ट डिसएडवांटेज में एक्सप्लेन करूंगा। नो फ्रीडम अनलेस यू बिकम 41, और यहाँ पे आपको कोई फ्रीडम भी नहीं मिलेगी जब तक आप 41 नहीं बन जाते। आपको जो है ट्रेनिंग सेंटर में आपको फुल टाइम देना पड़ेगा तभी आप यहाँ पे 41 बन सकते हो, अदरवाइज आपका रैंक भी अपग्रेड नहीं होगा और आप 41 भी कभी नहीं बन सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे एक बैड इनविटेशन प्रोसेस रहता है जो कि बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज है इस कंपनी में। यहाँ पे जो पर्सन को जो है जॉब के नाम पे इनवाइट करते हैं और झूठ बोल के पर्सन को इनवाइट करते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है, जिसकी वजह से इस कंपनी का नाम भी खराब हो चुका है। बहुत से पर्सन को फ्रॉड कंपनी कहते हैं, वो इसी बैड इनविटेशन प्रोसेस की वजह से, जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ में यहाँ पे नीड मैनेज ऑल ऑफ योर डाउनलाइन इंक्लूडिंग रूम प्लस फूड फैसिलिटी व्हेन यू अचीव 38 रैंक। यहाँ जब भी आपका रैंक 38 हो जाएगा तब आपको अपना खुद का रूम लेना पड़ेगा और वहाँ पे अपने डाउनलाइंस को भी आपको ही वहाँ पे रूम में रूम रेंट और जो भी खाने पीने का उनका पैसा लगेगा वो आपको ही खर्चा करना पड़ेगा। तब तक आपको ये यहाँ पे तब तक बताया ही नहीं जाता है जब तक आप 38 बनते हो कि यहाँ पे जो है वो रूम रेंट और फूड फैसिलिटी एक 38 मैनेज करता है। आपको पहले यही बताया जाता है कि यहाँ पे कंपनी का ही रूम रेंट होता है और खाना भी कंपनी देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो 38 है वो मैनेज करता है रूम रेंट और फूड फैसिलिटी। तो मतलब यहाँ क्या हुआ कि जो भी आपने सेविंग की है, जो भी आप यहाँ पे इनकम ले रहे हो, तो सारा का सारा यहाँ पे आपको अपने डाउनलाइंस के साथ वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा डाउनलाइन के ऊपर। मतलब क्या हुआ कि जब तक आप 41 नहीं बनते तब तक आपकी यहाँ पे सेविंग बिल्कुल भी नहीं होगी, यहाँ तक कि आपको मनी मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।